हेलो एवरीवन, आई एम अलका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलका आज कॉर्नर। सो गाइस, आज हम क्या करेंगे, आज हम वर्कशीट नंबर 22 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि क्लास सिक्स के लिए है। कौन से सब्जेक्ट के लिए है? हिंदी की है, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो हमारी जो वर्कशीट है, शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट है। कार्यपत्रक कौन सी है? 22। वर्कशीट नंबर 22 करेंगे आज हम। हमने वर्कशीट नंबर 21 तक कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स, ठीक है। कौन से विषय की, कौन से सब्जेक्ट की है? हिंदी। कौन से चैप्टर की है? ऐसे एकांकी। ओके, भाग दो है ये। भाग एक हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, अब हम भाग दो पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर क्या है गाइस, सबसे पहले वर्कशीट को लेबल कर लेते हैं, आप लोग हेडिंग डाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कक्षा 6 के लिए आप लोग अपने क्लास लिख लेंगे, विद्यार्थी का नाम, तो यहाँ पर आप लोग अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम, यहाँ पर आप लोग अपने क्लास टीचर का नाम लिख लेंगे, चाहे वो कक्षा अध्यापक हूँ या फिर कक्षा अध्यापिका हूँ। वर्कशीट कब के लिए शेड्यूल की गई है? 10/12/2020 के लिए, मतलब कि 10 तारीख 12वां महीना और 2020 के लिए, 10 दिसंबर 2020 के लिए, ठीक है। चलिए ये सबसे पहले ओनली हम इतना पढ़ लेते हैं, फिर ओनली आंसर्स करेंगे हम, ओके। क्या है, पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि एकांकी का अर्थ होता है एक ही अंक में पूरा होने वाला नाटक। सरल शब्दों में कहें तो इसे छोटा नाटक जिसमें एक ही अंक हो। ऐसे ऐसे पाठ में मोहन एक तखत पर लेटा है, आठ नौ वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है, ठीक है। कक्षा यहाँ पर हो सकता है, बट इन्होंने क्लास लिखा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो तीसरी कक्षा में पढ़ता है, इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है, उसके माता पिता उसके पास बैठे हैं अब आगे, ठीक है। तो इसके स्टोरी मैं आप लोगों को खुद ही बता देती हूँ थोड़ी सी, चलिए जान लेते हैं। तो ये देखिए, ये एक नाटक टाइप है, अगर आप लोग स्कूल में होते तो आपसे नाटक करवाते, कोई माँ बनता, कोई पिता, फिर उसके बाद कोई मोहन, इस तरह से, ठीक है। तो क्या है, पुचकार, ओके। सो क्या है, ना समझ करो, मतलब कि इसमें क्या होता है, मोहन जो होता है, ऐसे ऐसे चैप्टर का नाम क्यों पढ़ा, जो मोहन होता है वो सुबह के टाइम पर क्या बोलने लगता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। पापा, वो मान लीजिए बोलते हैं कि पापा मुझे ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है, पापा मेरे पेट में ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है। पापा मम्मी दोनों समझ नहीं पाते हैं कि कैसे कैसे दर्द हो रहा है, क्योंकि मोहन बोलता है मेरे पेट में, मोहन क्या बोलते हैं कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है, मोहन के पेट में तो ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है, हमें तो नहीं पता कि मोहन के पेट में कैसे कैसे दर्द हो रहा है। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। अब आपको इन क्वेश्चंस की आंसर देने हैं, ओके। सो फाइन, अब हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो ये देखिए, यहाँ पर है पार्ट एक में ऐसे ऐसे, पार्ट एक में ऐसे ऐसे जानने के लिए माता पिता ने मोहन से क्या क्या सवाल किए, ठीक है। सॉरी, पिता ने मोहन से क्या क्या सवाल किए, मतलब कि पाठ में ऐसे 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 जो मोहन बार बार बोल रहा था कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है, अब कैसे कैसे दर्द हो रहा है, कि ऐसे ऐसे का मतलब जाना कि कैसे कैसे दर्द हो रहा है। तो इसलिए जो पिता है, उन्होंने मोहन से क्या क्या सवाल किए, इसका आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो चले, कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ, इसके ओनली आंसर। आप लोग वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं ओनली आंसर्स बताने वाली हूँ आपको आज की वीडियो में, ओके। तो चलिए, तो ये देखिए क्या है हमारा प्रश्न नंबर एक, पाठ में ऐसे ऐसे जानने के लिए पिता ने मोहन से क्या क्या सवाल किए। तो पाठ में ऐसे ऐसे जानने के लिए, जो बार बार मोहन बोल रहा था मुझे ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है, तो उसके लिए पिता ने क्या क्या सवाल किए मोहन से। तो चलिए, पिता ने, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ओनली जो मैंने ऐसे लिखा है, या फिर आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि
पिता ने मोहन से निम्नलिखित सवाल किए एंड देन आप लोग ये सारे क्वेश्चंस नोट कर लेंगे अपने नोटबुक पे। ओके सो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या किया उन्होंने, क्या तुम्हारे पेट में गड़बड़ है, मतलब कुछ गड़बड़, क्या पेट में चाकू जैसा कुछ चुभ रहा है या कोई गोला सा फूटता है। ये तीन क्वेश्चंस जो मोहन के पापा हैं, जो मोहन के पिताजी हैं, उन्होंने किए, किससे, मोहन से किए ये क्वेश्चंस। ठीक है अब क्वेश्चन नंबर टू हम देख लेते हैं। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर टू, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा गई, जो मोहन बार बार कहता है ऐसे ऐसे वो कहने से माँ क्यों घबरा गई ये हमें बताना है। ठीक है तो क्यों घबरा गई माँ, माँ को ऐसा लग रहा था कि कहीं मोहन को कोई बड़ी खराब बीमारी तो नहीं हो गई, ये सब सोचकर माँ घबरा गई। अब अपने बेटे के लिए माँ की ममता है तो वो घबरा गई। ठीक है प्रश्न तीन क्या है, इसमें इसने कहीं कुछ अनशन तो नहीं खा लिया, इस हिंदी इस वाक्य में अंटशंट का क्या मतलब है। ये हिंदी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये आप लोग देख लेंगे, ये जो हिंदी है इसे आप लोग नहीं लिखेंगे हिंदी को। ठीक है इस वाक्य में अंटशंट का क्या मतलब है। ठीक है अब आप लोगों को ये देखना है तो चलिए आज देख लेते हैं इसका आंसर। ओके फाइन एंड देन तो देखिए क्या है, इस वाक्य में अंटशंट का यह मतलब है कि कोई खराब या बासी चीज जो सेहत के लिए हानिकारक होती है या हो। प्रश्न चार क्या है, ऐसी ऐसी बीमारी को दूर करने के लिए ऐसे ऐसे बीमारी को दूर करने के लिए माँ ने क्या क्या उपाय किए लिखिए। ठीक है इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर माँ ने डॉक्टर को बुलाया, माँ ने मोहन के पेट में गर्म पानी की बोतल रखी, माँ ने मोहन को हींग पिपरमिंट दिया। ठीक है तो हमारी जो आज की वर्कशीट है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। ओके वर्कशीट आप लोगों को पूरी करनी है ये वाली, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ओके आई होप आप लोग इसे लाइक करेंगे, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो, और नहीं अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आप लोगों के वीडियो अच्छी नहीं लगी है। ठीक है साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अलकाज कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। ओके सो अभी जो सब्सक्राइबर्स हैं 44 हैं, तो होप आप लोगों से 50-60 तक तो पहुँचा ही देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।